अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गाइस, मुझे इस गेटअप में देख के आप लोग हैरान और परेशान तो होंगे, लेकिन मैं खुद भी हैरान हूँ कि आखिर आज ये मैं किस गेटअप में आ गई हूँ सामने। लेकिन अब कुछ सीन ऐसा है कि मैं फुल पर्दे में ही आऊँगी, क्योंकि खैर घर से मुझे कोई ऐसी रोक टोक नहीं है, लेकिन मैं खुद नहीं चाहती कि मैं अपना फेस रिवील करूँ या मैं खुद सामने आऊँ या कुछ। अभी घर में कोई है नहीं है, खामोशी है, सिर्फ मैं और शाहजहान है, और वो लोग गए हुए हैं सामने नेबर्स के घर। नेबर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, वाकई अच्छे, हमसाए भी किस्मत से ही मिलते हैं और बहुत बड़ी नेमत है। तो वो इतनी अच्छी लेडी हैं, वो भी लोग पठान हैं, हम भी पठान हैं, तो मतलब उर्दू स्पीकिंग है हमारी तरह। तो इतनी अच्छी हैं वो, ऐसा लगता है मेरी बहन है, और हम बिल्कुल बहनों की तरह हम एक दूसरे से मिलते हैं, आते जाते हैं, हम भी चले जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। बस अच्छे अगर आपको नेबर्स मिल रहे हैं ना, तो फिर तो बल्ले बल्ले। और अभी ये छोटा सा बच्चा, आप लोग सोच रहे होंगे ये छोटा बच्चा कौन है, तो ये जी बस इंसान है, माँ बाप से आखिरी गलती हो गई थी, लेकिन बस इसने आना था इस दुनिया में। गाइस क्या कर सकते हैं, तो अब इसको मैं भी लेकर जा रही हूँ अपने नेबर्स के घर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा उनका भी घर, ठीक है? मेरे साथ रहिए। क्या मसला है शाहजैन, आखिर क्या चाहते हो आप? हाँ आओ चलें, चलो चलो चलें, चलो चलें, फेस दिखाएं जरा, कितने खूबसूरत हो आप। अभी मैं इसको लेकर जाती हूँ, लाइटें शाइटें ऑफ। नेबर्स इतने सामने रहते हैं कि मैं जूता पहनना भी ज़रूरी नहीं समझती। ये है जी इनका घर सामने। ओप्स, दो रूम्स हैं। ये है, ये बच्चों का रूम है, यहाँ पर वो स्टडी करते हैं। ये वाह, ये हमारी अनुशा ने बनाई है पेंटिंग। ये किचन है, वॉशरूम है, और ये हेलो हाय हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू स्टडी? विच? KG1। ओके, सो व्हाट आर यू डूइंग, वॉचिंग मोबाइल? और ये है जी बाहर का सीन, तेज धूप है इस वक्त। ये इनका रूम है, ये मैंने इनका घर दिखा दिया है, अभी बाकियों को बाहर मैंने निकाल दिया था। शाहजहान साहब तो सो रहे हैं, नहीं बल्कि शाहजहान जाग रहे हैं, मामा सो रहे हैं। इतना रो रहा था लेकिन इसको ज़रा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब फ्री हो गया, इतना फ्री हो गया कि चौड़ा होके लेट गया बेड पे। और ये जी बुशरा ने हमारे लिए तमाम किया है चाय का। बुशरा क्या ज़रूरत थी इसकी यार, लेकिन फ्राइज बहुत मज़े के लग रहे हैं। बस प्लीज, बस मैं डाइट पर हूँ। चलो चलो, लड़ो तो बात कैचअप के लिए, ठीक है? तुम्हारे लिए ही बनाया उन्होंने खाना, पड़ेगा ना फॉर्मेलिटी यार। वैसे तो मैं डाइट पर थी, लेकिन अब मुझे ये खाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की है। बाय बाय उमर, बाय बाय। इन दोनों खवातीन की बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं, अब ये इधर बातें कर रही हैं। ये हमारा घर है, वो अपनी चौखट पर खड़ी हैं। गाइस लोग, हम वहाँ से वापस आ गए हैं, नेबर्स के घर से आ गए थे, और अब मैं ज़रा जा रही हूँ गिफ्ट सेंटर, देखती हूँ अपने कोई बुरका शुरका देख लूँ, कोई सस्ती मस्ती चीज़ें अपने लिए पसंद कर लूँ। शाहजहान कहाँ जा रहे हैं आप, मुझे कुछ गिफ्ट लेकर देंगे? शाहजहान मुझे आपने गिफ्ट लेकर देना है, अपना फीडर भी लेकर जा रहे हैं। गैस हवा बहुत तेज चल रही है, और इस तरफ बादल हैं, वो देखो करिश्मा देखो, उस तरफ धूप है, इस तरफ छांव है। मुझे लगा कह रही हूँ करिश्मा कपूर,
तो ये जी गिफ्ट सेंटर बिल्कुल अपने घर के सामने है, ये इन्होंने बनाया ही मेरे लिए ताकि हम यहाँ पर आकर अपने लिए कुछ छोड़ा। बर्थडे आ रही है तो तुमने पैदा होके क्या किया है? क्या तीर मारा यार, क्या तीर मारा, बिल्कुल भी नहीं। बालों पर इसके बाल देखो। चलो 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 अंदर चलो। वाह, मैं भी ऐसा हेयर स्टाइल बनवाऊंगी तुम्हारी शादी पर, ठीक है? चलो भाई जी देखो, ये है बॉडी सोप, है सोप, ये सब सोप है। वाह, बनाना की खुशबू है देखो। स्टार फिश, कितने प्यारे सोप हैं और खुशबू भी वैसी है जो फ्रूट है ना। ये देखो कोकोनट, कोकोनट कोकोनट, इसी नहीं अच्छी लगी। वो देखो स्टार फिश का, कितने में है बॉडी सॉफ्ट फोर दिरम में। ओह कितना क्यूट है। ये मरियम ने एलईडी लाइट्स ली हैं अपने लिए, कमरे में लगाएगी। ये अपने लिए ले लो मरियम, ये देखो कितना प्यारा है, गर्मी नहीं लगेगी। तो जी गाइस, मैं वापस आ गई थी घर। अच्छा, और आखिरी बात, मतलब आखिरी जाते जाते एक बात बताऊं कि रात को सोने से पहले रोजाना ये देखो ये काउंटर कितना तेजी से गुजरता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़कर सो जाया करो, जिंदगी में कामयाबियां ही कामयाबियां होंगी। और मजीद कामयाब होने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। कुछ लोग बगैर सब्सक्राइब के मेरा चैनल देख रहे होते हैं, व्लॉग्स देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तुम सब मिसनों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्या करूँ कैमरे से बाहर आकर कैसे तुम लोगों को समझाऊँ कि सब्सक्राइब कर दो।